नमस्कार, मैं सिद्धार्थ कनन आपका स्वागत करता हूँ। हीरो ये नाम अपने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और बेस्ट कस्टमर सर्विस के लिए जाना जाता है, और इसी वजह से हीरो पिछले 16 सालों से वर्ल्ड नंबर वन टू व्हीलर कंपनी है। हीरो डीलरशिप में हर स्टाफ अपने कस्टमर को वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस देने के लिए तत्पर है। जैसे कि हम जानते हैं, वक्त के साथ कस्टमर की उम्मीदें बढ़ रही हैं, और इसलिए हमें कस्टमर एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करनी है। ये ट्रेनिंग वीडियो उसी दिशा की ओर एक कदम है। हीरो में इस सेल्स प्रोसेस को ऑप डॉग का नाम दिया गया है। इस ट्रेनिंग वीडियो में हम हीरो सेल्स प्रोसेस ऑप डॉग को बारीकी से समझेंगे। आइए देखते हैं हीरो की एक डीलरशिप हैप्पी हीरो में दिन की शुरुआत किस तरह होती है। हीरो डीलरशिप में हर दिन की शुरुआत 15 मिनट्स की मॉर्निंग ट्रेनिंग से की जाती है। मॉर्निंग ट्रेनिंग एक अच्छी प्रैक्टिस है जिसे डीलरशिप स्टाफ को प्रोडक्ट्स, सेल्स प्रोसेस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ कस्टमर डिलाइट के टिप्स दिए जाते हैं। इस ट्रेनिंग को शोरूम मैनेजर लीड करते हैं। आइए देखते हैं हैप्पी हीरो में 15 मिनट्स मॉर्निंग ट्रेनिंग कैसे कंडक्ट की जाती है। अच्छा, आप में से मुझे कोई I3S टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म बताएगा? हाँ, यस, टेल मी राहुल। सर, I3S की फुल फॉर्म है आइडल स्टॉप स्टार्ट सिस्टम। ओह, वेरी गुड राहुल। बट I3S टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए हम आपको कुछ और वीडियो दिखाते हैं। जैसे कि आपने देखा, हैप्पी हीरो के शोरूम मैनेजर ने मॉर्निंग ट्रेनिंग को अच्छे से कंडक्ट किया। इसी तरह सभी शोरूम मैनेजर्स को डीलरशिप में दिन की शुरुआत 15 मिनट्स की ट्रेनिंग से करनी चाहिए। ट्रेनिंग सेशन के बाद 15 मिनट की सेल्स मीटिंग होती है, जिसमें पिछले दिन की इंक्वायरीज और आज की प्लानिंग के ऊपर चर्चा होती है। एक और इंपॉर्टेंट बात, डीलरशिप में हर स्टाफ का प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना बहुत ही जरूरी है। इसे प्रोफेशनल बिहेवियर का पता चलता है। क्लीन यूनिफॉर्म, सिंपल बेल्ट, फॉर्मल शूज, कॉम्ब्ड हेयर, क्लीन शेव्ड और वेल ग्रूम्ड बियर्ड, ट्रिम नेल्स एक्सेट्रा, ये सब बातें हमेशा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेडी डीएससी हीरो यूनिफॉर्म की सूट या साड़ी भी पहन सकती है। अब वक्त आ गया है हीरो के सेल्स प्रोसेस ऑप डॉग को बारीकी से समझने का। ऑप डॉग को डिजाइन करने का बस एक ही मकसद है, पूरे देश में कस्टमर्स को एक जैसा प्रीमियम बाइंग एक्सपीरियंस मिले। ओ, ओपनिंग अ सेल्स कॉल, यानी सेल्स कॉल की शुरुआत करना। पी, प्रोबिंग एंड पिचिंग, यानी कस्टमर की जरूरतों को समझ के उनके लिए बेस्ट बाइक या स्कूटर सजेस्ट करना। डी, डेमो एंड टेस्ट राइड, यानी सजेस्टेड बाइक स्कूटर के फीचर्स बताना और टेस्ट राइड देना। ओ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, यानी कस्टमर की क्वेरीज को समझ के उनको कन्विंस करना। सी, क्लोजिंग अ सेल्स कॉल, यानी कस्टमर की पसंदीदा टू व्हीलर को बुक करके डिलीवरी देना। ऑप डॉक में सेल्स कॉल की ओपनिंग को समझने से पहले देखते हैं कस्टमर इंक्वायरी कॉल। कई बार शोरूम में आने से पहले कस्टमर इंक्वायरी के लिए कॉल करता है। ऐसी स्थिति में कस्टमर को डीलरशिप का पहला एक्सपीरियंस इस कॉल के दौरान मिलता है। इसलिए इंक्वायरी कॉल कैसे हैंडल की जाती है, ये समझना ऑप डॉग समझने जितना ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं हमारी डीलरशिप हैप्पी हीरो में इंक्वायरी कॉल कैसे हैंडल की जाती है। नमस्कार, हैप्पी हीरो, मैं किरण बात कर रही हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? नमस्कार किरण, मैं एक नई बाइक लेने की सोच रहा हूँ। जी सर। सर, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? जी, मेरा नाम रवि कुमार है। जी सर, थैंक यू। सर, मैं आपकी कॉल हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर दूंगी, वो आपकी मदद करेंगे, लेकिन क्या मैं अपने रिकॉर्ड्स के लिए आपका कॉन्टैक्ट नंबर जान सकती हूँ? जी बिल्कुल,
इट्स 9637 9637 222 702 702 राइट. थैंक यू सर. सर मैं आपकी कॉल हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रही हूँ, प्लीज लाइन पे बने रहे. हाँ मैं होल्ड करता हूँ. की क्या मदद कर सकता हूँ? मैं एक नई बाइक लेने की सोच रहा हूँ, बट अभी तो ऑप्शंस ही ढूंढ रहा हूँ. जरूर सर, हमारे पास काफी बेहतर प्रोडक्ट रेंज है जो आपकी जरूरत को पूरा करेंगे. ओके. मैं आपको अपने शोरूम में इनवाइट करना चाहूंगा ताकि मैं आपको हीरो प्रोडक्ट्स की पूरी रेंज दिखा पाऊँ. हाँ, कल तो मेरा ऑफ डे है, मैं 11 बजे तक आपके शोरूम आ सकता हूँ. आप मिलेंगे क्या वहाँ पे? जी सर, आप 11 बजे तक आइए, मैं आपका वहीं वेट करूंगा. हाँ, कल 11 बजे मिलते हैं. हैव अ नाइस डे सर. ओके, थैंक यू. टेक केयर. आपने देखा कैसे रिसेप्शनिस्ट ने कस्टमर से प्रोफेशनली बात की, उनकी जरूरत को समझा और फिर जरूरी एक्शन लिया. रिसेप्शनिस्ट को हर कस्टमर का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लेकर प्रोस्पेक्ट कार्ड में एंट्री करनी चाहिए. न्यू व्हीकल इंक्वायरी के केस में सेल्स एग्जीक्यूटिव को फोन ट्रांसफर कर दें, सेल्स कॉल को वहां से आगे सेल्स एग्जीक्यूटिव ले जाएगा. सेल्स एग्जीक्यूटिव ये ध्यान रखें कि कस्टमर को डीलरशिप बुलाए, इसे हमें डील क्लोज करने का आगे मौका मिलेगा. हेलो. हेलो. नमस्कार सर. नमस्कार. क्या मेरी बात रवि जी से हो रही है? जी हाँ, बोल रहा हूँ. रवि जी, मैं हैप्पी हीरो से राहुल बोल रहा हूँ. हाँ राहुल, बताइए. जी, मैंने आज मीटिंग कंफर्म करने के लिए आपको कॉल किया था, तो क्या आज आप 11 बजे आ रहे हैं? हाँ हाँ, मैं बस निकल रहा हूँ, 11 बजे तक तो पहुँच जाऊंगा. श्योर सर, तो आज मैं आपका वेट करता हूँ. ओके, सी यू देयर. ओके सर, हैव अ नाइस डे. फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. आइए देखते हैं रवि को हैप्पी हीरो पहुंचने पे कैसा एक्सपीरियंस मिलता है. यहाँ पार्क कर दीजिए सर. नमस्कार सर, आइए. एक्सक्यूज मी, वन मोमेंट प्लीज. अरे इट वाज सो फन. सच एन एडोरेबल थिंग. आई नो, आई इवन कांट टेल यू. या आई नो. ये थी एक गलत अप्रोच. आपने देखा कि कैसे रिसेप्शनिस्ट और सेल्स एग्जीक्यूटिव के बिजी होने से कस्टमर को अटेंड नहीं किया गया. कस्टमर को वेट करवाने से नुकसान हमारा ही होगा. अतिथि देवो भव. हमें हर कस्टमर को उसी तरह अटेंड करना है जिस तरह हम अपने घर आए गेस्ट को करते हैं. आइए देखते हैं कि कस्टमर वेलकम का सही तरीका क्या है. नमस्कार सर, हैप्पी हीरो में आपका स्वागत है. मेरा नाम किरण है, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? कल मैंने कॉल किया था, आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव मिस्टर राहुल से बात हुई थी. ओके. तो आज उन्होंने आने के लिए कहा था. ओके सर, हमें आपकी सहायता करने में बहुत खुशी होगी. क्या मैं आपका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर जान सकती हूँ? जी, मेरा नाम रवि कुमार है. कॉन्टैक्ट नंबर इज 9637 222 202 702. थैंक यू सर. सर आइए, मैं आपको राहुल से मिलवा देती हूँ. सर आप बैठिए, मैं अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव को बुला के लाती हूँ. ओके. सर ये राहुल हैं. और राहुल, ये मिस्टर रवि कुमार हैं जिनसे कल आपकी बात हुई थी. हाँ जी, बात हुई थी जी. थैंक यू किरण. थैंक यू सर. नमस्कार सर. वेलकम टू हैप्पी हीरो. ये मेरा बिजनेस कार्ड है सर. समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर. शोरूम ढूंढने में ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको? नहीं नहीं, कल आपने लोकेशन का आइडिया दे ही दिया था, उससे आपका शोरूम ढूंढना बहुत इजी हो गया.
वैसे भी आपके शोरूम का साइनेज तो बहुत दूर से ही दिख जाता है। थैंक यू सर। हमारी डीलरशिप एक 4S फैसिलिटी है जिसमें सेल्स, सर्विस, स्पेयर एंड सेफ्टी, हम इन चारों एस्पेक्ट्स पर कस्टमर्स को सर्व करते हैं। गुड। एक अच्छे वेलकम के बाद आता है सेल्स प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप, प्रोबिंग एंड पिचिंग। प्रोबिंग का मतलब है कस्टमर की जरूरत को समझना। सेल्स एग्जीक्यूटिव कुछ सवालों के आधार पर कस्टमर की जरूरतों को आसानी से समझ सकता है। कस्टमर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करे, इसके लिए ओपन एंडेड सवाल पूछे जाने चाहिए। जिन क्वेश्चंस का जवाब कस्टमर आपको डिटेल में दे, उन सवालों को ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। इन सवालों से आपको कस्टमर्स की जरूरतों को बारीकी से समझने में मदद मिलती है। जरूरत समझकर कस्टमर को बेस्ट ऑप्शन सजेस्ट करने को कहते हैं पिचिंग। सजेस्ट किए गए सोल्यूशन को जरूरी फैक्ट्स या फिगर्स के साथ कस्टमर को समझाना जरूरी है। आइए देखते हैं हैप्पी हीरो में कस्टमर जब ऑप्शंस देखने आते हैं तो हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव राहुल कैसे सही सवाल पूछकर उनकी जरूरतों को समझते हैं। सर आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? मेरे लिए चाय चलेगी। ओके बाबू, दो चाय। जी सर। तो सर, जैसा कि आपने मुझे फोन पे बताया था कि आप एक नई बाइक लेना चाहते हैं, आपको सही बाइक सजेस्ट करने के लिए मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहूंगा। बिल्कुल सर। क्या आप अभी कोई टू व्हीलर यूज कर रहे हैं? हाँ हाँ, मेरे पास एक है। ओके सर, आपका बाइक से नॉर्मली यूसेज क्या रहता है? डेली तो मुझे ऑफिस जाना होता है, उसके लिए ऑलमोस्ट 45-50 किलोमीटर चलती है, प्लस वीकेंड पे फैमिली के साथ घूमना होता है, तब भी बाइक चाहिए। ओके सर, आप नई बाइक में क्या फीचर्स चाहते हैं? मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए जो कि सिटी ट्रैफिक में चलाने में कन्वीनियंट हो। जैसा कि मैंने 45-50 किलोमीटर्स डेली चलाना है तो कंफर्ट के साथ उसकी माइलेज भी अच्छी होनी चाहिए विद लो मेंटेनेंस। बाइक की पावर और पिकअप तो अच्छी हो, स्टाइलिश और सेफ्टी भी होनी चाहिए। थैंक यू। वेलकम सर। श्योर सर, अगर मैं आपकी जरूरतों को सही समझ पाया हूँ तो आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो चलाने में बहुत ज्यादा आरामदायक हो, बढ़िया माइलेज दे और मेंटेनेंस कम हो। बिल्कुल। इसके अलावा पावर, पिकअप, स्टाइल और सेफ्टी में भी ये बाइक अच्छी हो। राइट। सर प्लीज। हाँ, मैं चाय ले रहा हूँ। सर, आपकी जरूरतों के हिसाब से मैं आपको स्प्लेंडर आई स्मार्ट 110 सजेस्ट करूंगा। ओके। स्प्लेंडर आई स्मार्ट 110 ट्रैफिक में चलाने के लिए बहुत ही आसान है। इसमें काफी न्यू फीचर्स हैं, टेक्नोलॉजी है जो राइडर को ज्यादा कंफर्ट, कन्वीनियंस, माइलेज और सेफ्टी देते हैं। प्लस इसमें आपको बेहतर परफॉर्मेंस, पावर, पिकअप और स्टाइल भी मिलता है सर। ओके। सर, हीरो स्प्लेंडर आई स्मार्ट 110 एकदम लेटेस्ट प्रोडक्ट है सर। ओके। हियर्स द ब्रोशर सर। आइए सर जी, बाइक देखते हैं और साथ ही मैं आपको बाइक के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स एक्सप्लेन करूंगा। ओके। जैसे कि आपने देखा कैसे राहुल ने कस्टमर से सही सवाल पूछे, उनके नीड्स को जाना और फिर सही व्हीकल पिच किया। प्रोबिंग एंड पिचिंग सेल्स प्रोसेस का एक जरूरी पार्ट है। प्रोबिंग के दौरान कुछ सवाल पूछने से आपको कस्टमर को सही व्हीकल पिच करने में मदद मिलेगी, जैसे कि व्हीकल का यूसेज, व्हीकल में कस्टमर्स को क्या फीचर्स चाहिए। प्रोबिंग के वक्त कस्टमर को ध्यान से सुने, उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश करें और उनकी जरूरत के अनुसार सही व्हीकल पिच करें। कस्टमर को बताएं कि आपका ये प्रोडक्ट सजेस्ट करने का क्या रीजन है, तभी वो आपकी बात सुनेंगे। कस्टमर को प्रोडक्ट पिच करने के बाद सेल्स प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप है डेमोन्स्ट्रेशन एंड टेस्ट राइड। ये सेल्स प्रोसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसमें सेल्स एग्जीक्यूटिव कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फीचर से मैच करके कस्टमर को व्हीकल खरीदने के लिए कन्विंस कर सकता है। कस्टमर इस स्टेप के दौरान प्रोडक्ट की खूबियों को एक्सपीरियंस करके निर्णय ले पाता है। डेमो के चार स्टेप्स हैं, फ्रंट व्यू, राइट व्यू, रियर व्यू, लेफ्ट एंड टॉप व्यू।
ये चार स्टेप्स कस्टमर को फैब की टेक्निक से बताए जाते हैं। एफ मतलब बाइक के फीचर्स बताना, ए मतलब फीचर के एडवांटेजेस बताना, और बी मतलब कस्टमर को उससे क्या बेनिफिट है वो बताना। डेमो को प्रोडक्ट के सुपर फाइव बताकर कंक्लूड किया जाता है। सर, ये है स्प्लेंडर आई स्मार्ट 110 ब्लू एंड ब्लैक कलर में। जैसा कि सर नाम से ही पता चलता है, इसमें हीरो की पेटेंटेड i3s टेक्नोलॉजी है। ये हीरो का एकदम लेटेस्ट प्रोडक्ट है सर। ये बाइक आपकी सारी जरूरतें यानी परफॉर्मेंस, स्टाइल, कंफर्ट और माइलेज सबको पूरा करती है। आई सी। ये थे इस बाइक के सारे फीचर्स। जैसा कि आपने देखा, स्प्लेंडर आई स्मार्ट 110 एक ओवरऑल पैकेज है जो कि सेफ्टी, कन्वीनियंस, परफॉर्मेंस और माइलेज सारे पैरामीटर्स पे खरी उतरती है। सर, इस बाइक की 5 बेस्ट खूबियां हैं हीरो पेटेंटेड i3s टेक्नोलॉजी, हाई टॉर्क यानी बेहतर पिकअप, अपने सेगमेंट में बेहतर पावर और परफॉर्मेंस, ट्यूबलेस टायर्स और पिन स्ट्राइप्ड व्हील, और स्टाइलिश डिजी एनालॉग मीटर कंसोल। सर, ये बाइक आपकी सारी जरूरतों पे खरी उतरती है। राहुल, आई थिंक इट्स अ गुड बाइक, पर क्या आप मुझे इसकी i3s टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ और एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ जी सर, मैं आपको i3s टेक्नोलॉजी वीडियो के थ्रू समझाता हूँ। जस्ट 1 मिनट सर। श्योर। तो सर, कैसी लगी आपको ये बाइक? काफी अच्छी है। सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि iSmart 110 आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। आपने देखा किस तरह सेल्स एग्जीक्यूटिव ने कस्टमर को उनकी जरूरत के फीचर समझाए और उनके एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स भी बताए। डेमो के एंड में प्रोडक्ट के सुपर फाइव समराइज किए। डेमो में उन फीचर्स पे ज्यादा ध्यान दें जो कस्टमर की जरूरत या पसंद के हैं, और जहां जरूरी लगे वहां टैब या ब्रोशर का इस्तेमाल करें। अगर कोई कस्टमर के पास पूरे डेमो प्रोसेस के लिए टाइम नहीं है तो ऐसे केस में प्रोडक्ट के सुपर फाइव समझाएं। सुपर फाइव हर प्रोडक्ट के बेस्ट सेलिंग फीचर्स हैं। इनसे कस्टमर को प्रोडक्ट पे कन्विंस करना आसान है। ध्यान रखें कि डेमो व्हीकल हमेशा वेल मेंटेन कंडीशन में होना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन के बाद सेल्स एग्जीक्यूटिव कस्टमर को टेस्ट राइड ऑफर करता है ताकि कस्टमर व्हीकल की राइड, कंफर्ट एंड परफॉर्मेंस को एक्सपीरियंस कर सके। सेल्स एग्जीक्यूटिव को ये ध्यान रखना है कि टेस्ट राइड के दौरान कस्टमर को व्हीकल एक्सपीरियंस करने का पूरा मौका मिले। टेस्ट राइड से पहले डॉक्यूमेंट्स एंड व्हीकल रेडीनेस चेक कर लें। सेफ्टी का ध्यान रखते हुए सेल्स एग्जीक्यूटिव राइड के दौरान तभी बोलें जब कस्टमर कोई क्वेरी रखे। याद रहे, कस्टमर और एग्जीक्यूटिव दोनों का हेलमेट पहनना कंपलसरी है। आइए सर। सर, मैं चाहूंगा आप इस बाइक की टेस्ट राइड लें ताकि आप इस बाइक को फील कर सकें और जो फीचर्स मैंने आपको बताए हैं उन्हें आप बेहतर एक्सपीरियंस कर सकें। ठीक है सर, क्या मैं आपका ड्राइविंग लाइसेंस देख सकता हूँ? हाँ। थैंक यू सर। और टेस्ट राइड कंसेंट फॉर्म के ऊपर आपके सिग्नेचर चाहिए होंगे। सर, स्प्लेंडर आई स्मार्ट 110 चलाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इसके पिकअप, ब्रेकिंग
कंफर्ट और हैंडलिंग, इन सब को एक्सपीरियंस करें। बिल्कुल, प्लीज सर, और इसे पहन लीजिए। Hope you enjoyed the ride, sir. Yes. Sir, please. तो बताइए सर, आपको स्प्लेंडर iSmart 110 कैसी लगी? It was good. That's great, sir. सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हीरो के सभी बाइक्स पे आपको 5 साल या 70,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है। गुड सर, टू व्हीलर्स में इससे अच्छी वारंटी आपको कोई भी कंपनी नहीं देती है। ओके, प्लस आपको मिलती है 5 फ्री सर्विसेज। अच्छा। यानी सर लो मेंटेनेंस कॉस्ट। गुड सर, तो क्या आप अपना टेस्ट राइड फीडबैक मुझे इसमें दे सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। ये सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। जैसे कि आपने देखा, सेल्स एग्जीक्यूटिव ने टेस्ट राइड का पूरा प्रोसेस फॉलो किया और कस्टमर को बाइक को एक्सपीरियंस करवाई, कस्टमर से टेस्ट राइड का फीडबैक लिया और पूरे प्रोसेस की हीरो कनेक्ट में एंट्री की। हमारे प्रोडक्ट्स को देखने और एक्सपीरियंस करने के बाद भी कस्टमर के मन में कुछ ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं। क्या पता कस्टमर ने कंपटीशन के भी प्रोडक्ट्स या ऑफर देख रखे हों। कस्टमर के ऑब्जेक्शन अगर हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए एक्नॉलेज, आस्क एंड आंसर AAA कॉन्सेप्ट का यूज करें। पहले उनके ऑब्जेक्शन को स्वीकार करें, उनके ऑब्जेक्शन को सही तरीके से समझने के लिए सवाल पूछें और फिर सही फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अपना जवाब दें। कस्टमर को प्रोडक्ट से मिलने वाले फायदे समझाएं। कस्टमर को पूरी तरह से संतुष्ट करने के लिए आप उन्हें 6 strokes ऑफ हीरो बताएं। इस बाइक पे कोई डिस्काउंट या स्कीम है क्या? सॉरी सर, हम किसी भी तरह का कोई भी ऑफर या डिस्काउंट नहीं दे रहे। सर, जैसा कि मैंने समझा है, आप इस व्हीकल से वैल्यू फॉर मनी चाहते हैं। बिल्कुल ठीक सर। हीरो स्प्लेंडर iSmart 110 हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें काफी बेहतरीन फीचर्स है, जैसे कि हीरो पेटेंटेड i3s टेक्नोलॉजी, हाई टॉर्क फॉर बेटर पिकअप, बेहतर पावर और परफॉर्मेंस, ट्यूबलेस टायर्स और पिन स्ट्राइप्ड व्हील और डिजी एनालॉग मीटर कंसोल। और सर यही नहीं, iSmart 110 की बेहतरीन माइलेज पेट्रोल के पैसों की भी बचत करती है। सर, इसके अलावा आपको हीरो से जुड़ने के काफी बेनिफिट्स मिलेंगे जो और कहीं अवेलेबल नहीं है, जैसे कि हीरो के सभी प्रोडक्ट्स में मिलती है 5 साल की वारंटी और 5 फ्री सर्विसेज, जिससे मेंटेनेंस की आपको कोई भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और आपको मिलेगा कंप्लीट पीस ऑफ माइंड सर। हीरो प्रोडक्ट्स अपनी रिलायबिलिटी के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए मार्केट में उनकी हाई रीसेल वैल्यू है। हीरो के 6,000 से भी ज्यादा नेटवर्क पॉइंट्स हैं। आप कहीं भी जाएं, हीरो वहां है आपकी हेल्प के लिए। और सर, हमारा गुड लाइफ प्रोग्राम, जो कि ऑटोमोटिव सेगमेंट में वर्ल्ड का सबसे बड़ा कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम है। अच्छा। और इन्हीं कारणों से हीरो पिछले 16 सालों से वर्ल्ड की नंबर 1 टू व्हीलर कंपनी है। सर, इससे अच्छा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। मुझे लगता है राहुल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आपने देखा कैसे हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव ने कस्टमर की डिस्काउंट की क्वेरी को कंपनी और प्रोडक्ट के हाइलाइट्स बता के दूर किया।
ये एक बहुत ही आसान और बढ़िया तरीका है ऐसी क्वेरी से डील करने का। कस्टमर के ऐसे बहुत से ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि क्या इस बाइक की मेंटेनेंस महंगी है, कंपटीशन के मुकाबले मुझे आई स्मार्ट में क्या क्या मिल रहा है, मुझे बाइक मिलने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्या आपकी टेक्नोलॉजी सबसे बेहतर है। ऐसे सभी ऑब्जेक्शंस को आप एक्नॉलेज, आस्क और आंसर यानी ट्रिपल ए अप्रोच से आसानी से हैंडल कर सकते हैं। कस्टमर के सभी ऑब्जेक्शंस को दूर करके हमें डील क्लोज करने की तरफ बढ़ना चाहिए। क्लोजिंग सेल्स प्रोसेस का आखिरी स्टेप है। यहाँ पर कस्टमर अपनी बाइक का कलर और जरूरी फॉर्मेलिटीज जैसे कि एक्सचेंज, फाइनेंस, गुड लाइफ और एक्सेसरीज को फाइनलाइज करता है। आइए देखें कैसे। सर, आईस्मार्ट के सारे कलर ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। आप कौन सा लेना चाहेंगे? मुझे रेड एंड ब्लैक पसंद है, आप यही फाइनल कीजिए। वाओ सर, ग्रेट चॉइस। सर, हमारे पास आपकी एग्जिस्टिंग बाइक के लिए भी एक एक्सचेंज ऑप्शन है, क्या आप अपनी बाइक को एक्सचेंज करना चाहेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल चाहूंगा। ठीक है सर, आप एक मिनट वेट कीजिए, मैं आपको अपने एक्सचेंज इंचार्ज से मिलवाता हूँ। सर, ये है हमारे एक्सचेंज इंचार्ज मिस्टर जॉर्ज, और जॉर्ज ये है मिस्टर रवि। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपकी बाइक कितनी पुरानी है? ऑलमोस्ट 5 साल। जी सर, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए और बाइक की चाबी दे दीजिए, मैं इवैल्यूएट करके वैल्यू आपको बताता हूँ। ओके, थैंक यू सर। सर, हमारे यहाँ कैश के साथ साथ बाइक फाइनेंस कराने का ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो क्या आप फाइनेंस ऑप्शन लेना चाहेंगे? हाँ हाँ, मैं फाइनेंस कराना चाहूंगा। ओके सर, इसके लिए मैं आपको अपने फाइनेंस एग्जीक्यूटिव से मिलाता हूँ, वो आपको बाइक फाइनेंस कराने में पूरी हेल्प करेंगे। ओके, प्लीज सर। दिस वे सर, प्लीज सर। सर, ये है मनिंदर, हमारे फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। मनिंदर, ये है मिस्टर रवि कुमार। नमस्कार सर। नमस्कार। इन्होंने स्प्लेंडर आई स्मार्ट 110 बुक कराई है, ये फाइनेंस के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं, तो प्लीज आप इन्हें फाइनेंस के डिटेल्स दें। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। आइए मैं आपको फाइनेंस की डिटेल्स बताता हूँ। सर, आई होप आपको फाइनेंस से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल गई हैं। अगर कोई इशू है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, मैं फाइनेंस के रिक्वायर्ड सारे डॉक्यूमेंट्स जल्दी ले आऊंगा। ठीक है सर, आइए मैं आपको इंश्योरेंस की डिटेल समझाता हूँ। प्लीज, सर, स्प्लेंडर आई स्मार्ट 110 के लिए हीरो जेन्युइन एक्सेसरीज भी अवेलेबल है। ओके, तो आइए सर आपकी बाइक के लिए कुछ एक्सेसरीज देखते हैं। हाँ हाँ, प्लीज बताइए कौन कौन से एक्सेसरीज हैं आपके पास। मैं हेलमेट, हैंडल ग्रिप और सीट कवर लेना चाहूंगा। ठीक है सर, ये सारी चीजें आपकी बाइक की डिलीवरी से पहले आपकी बाइक में फिट हो जाएंगी। ओके, और हेलमेट आपको डिलीवरी के समय दिया जाएगा। गुड, आइए सर। सर, ये है हमारी गुड लाइफ एग्जीक्यूटिव पूजा, और ये है मिस्टर रवि कुमार। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, गुड लाइफ प्रोग्राम हीरो का ऑटोमोटिव सेगमेंट में दुनिया का सबसे बड़ा कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम है। मुझे ये गुड लाइफ प्रोग्राम इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं इसे लेना चाहूंगा। थैंक यू सर। सर, मैं आपको गुड लाइफ के लिए रजिस्टर कर देती हूँ, आपको आपका गुड लाइफ कार्ड बाइक डिलीवरी के समय हैंडओवर कर दिया जाएगा। ओके, ठीक है। सर, आइए मेरे साथ। सर, ये है आपकी सिलेक्टेड बाइक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, हीरो जेन्युइन एक्सेसरीज और गुड लाइफ की डिटेल्स, प्लीज आप एक बार चेक कर लें। ठीक है राहुल, सब कुछ ठीक लग रहा है। थैंक यू सर, और कुछ पूछना चाहते हैं आप? नहीं नहीं, और तो कुछ नहीं है। कल मैं डॉक्यूमेंट सारे ले आऊंगा, आप प्लीज शाम को 5 बजे तक बाइक की डिलीवरी रेडी रखिएगा।
श्योर सर, कल 5 बजे तक आपकी बाइक रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं फिर चलता हूँ, कल मिलते हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव्स ध्यान रखें कि कस्टमर को बताए गए टाइम से पहले उनकी बाइक डिलीवरी के लिए रेडी हो। बाइक डिलीवरी से पहले जरूरी डॉक्यूमेंटेशन, बाइक की प्रॉपर PDI और हीरो जेन्यून एक्सेसरीज की फिटमेंट खुद चेक कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, अभी पहुंच के बस ले लेता हूं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? राहुल, ठीक ठाक, आप सुनाइए। आई एम ऑल्सो गुड सर। सर आपकी बाइक तैयार है? गुड, आइए सर। प्लीज सर आप डॉक्यूमेंट्स लाए हैं? हाँ हाँ, मैं सभी डॉक्यूमेंट्स ले आया हूँ। सर मैं आपके डॉक्यूमेंट्स अभी जाकर अपने फाइनेंस एग्जीक्यूटिव को देता हूँ, बस 2 मिनट सर। सर आप चाय लेंगे या कॉफी? मैं चाय ले लूंगा। ओके सर। सर आपकी बाइक की फाइनेंस फॉर्मेलिटीज थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएंगी, तब तक आप रोड सेफ्टी को लेकर हीरो का राइड सेफ प्रोग्राम का वीडियो देखिए सर। श्योर। इनवॉइस जनरेट होने के बाद हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को बाइक तैयार रखने की सूचना देता है। हीरो का राइड सेफ प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। हाँ जी सर, और कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपकी बाइक की फाइनेंस फॉर्मेलिटीज भी कंप्लीट हो गई हैं। सर बाकी की पेमेंट आप कैसे करना चाहेंगे? मैं कैश दे दूंगा। ओके सर, तो प्लीज मेरे साथ दिस वे। हेलो हरीश, ये है मिस्टर रवि कुमार, इन्होंने स्प्लेंडर आईस्मार्ट 110 ली है, ये कैश से पेमेंट करेंगे। ओके सॉरी सर, चेंज नहीं है, चेंज दीजिए। मैं चेंज कहां से लाऊंगा? सर मैं कहां से लाऊंगा? अरे कैशियर आप हो, आप दोगे चेंज? सर जब है नहीं तो कहां से दूं? ये लीजिए चेंज लाइए। अरे आपने देखा कि कैसे छोटी छोटी चीजें कस्टमर के एक्सपीरियंस को खराब कर सकती है। एक सेल्स प्रोसेस के दौरान कस्टमर जिन जिन लोगों से इंटरेक्ट करता है सब कस्टमर के अच्छे एक्सपीरियंस के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि शोरूम मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सिक्योरिटी गार्ड, रिसेप्शनिस्ट, पैंट्री बॉय, कैशियर, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, गुड लाइफ एग्जीक्यूटिव, एक्सचेंज एग्जीक्यूटिव, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, यहां तक कि हाउसकीपिंग स्टाफ भी डीलरशिप को साफ सुथरा रखकर कस्टमर एक्सपीरियंस में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि कस्टमर को बेहतर एक्सपीरियंस देना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेलो हरीश। हेलो, ये है मिस्टर रवि कुमार। नमस्कार सर। नमस्कार। इन्होंने स्प्लेंडर आईस्मार्ट 110 सेलेक्ट की है। ओके। ये बैलेंस पेमेंट कैश से करेंगे। ठीक है। नई बाइक के लिए मुबारक हो सर। थैंक यू। सर ये लीजिए बैलेंस और आपकी रिसीट। सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाने के बाद कस्टमर को व्हीकल डिलीवरी सेरेमनी एरिया में ले जाएं। ये है आपकी बाइक रेडी फॉर डिलीवरी। मैं आपको फ्यूल सेविंग और रोड सेफ्टी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। दिल धीरे धीरे धड़के आज होने को है आगाज, सफर पर चलने का बढ़ने का। सर ये है मिस्टर विजय, हमारे डिलीवरी एग्जीक्यूटिव।
नमस्कार सर, मेनी कंग्रेचुलेशंस। सर ये आपको बाइक कंट्रोल्स, वारंटी पॉलिसी और सर्विस शेड्यूल के बारे में बताएंगे। सर ये हमारे शोरूम मैनेजर मिस्टर संजय। नमस्कार सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू बाइक सर। थैंक यू सर, दिस इज माय कार। सर सर्विस से रिलेटेड अगर कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो हमारे मैनेजर कस्टमर केयर मिस्टर विकास जायसवाल हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं सर। सर दिस इज हिज कार्ड, इस पे हमारे वर्कशॉप का नंबर और एड्रेस मेंशन्ड है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, ये रहा आपका गुड लाइफ कार्ड। आइए सर आपकी बाइक के साथ एक फोटोग्राफ लेते हैं। या श्योर। डिलीवरी कस्टमर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। डिलीवरी के समय कस्टमर की एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा होती है। हमें ध्यान रखना है कि कस्टमर को हम बेस्ट एक्सपीरियंस दें। डिलीवरी के टाइम जरूरी है व्हीकल एकदम क्लीन हो। कस्टमर को व्हीकल के सारे फीचर्स एक्सप्लेन करें और सर्विस, वारंटी एंड अदर डिटेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दें। हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्कार, मैं हैप्पी हीरो से किरण बोल रही हूँ, क्या मैं आपसे 2 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ? जी जी बिल्कुल। सर ये पोस्ट सेल्स फीडबैक कॉल है। सबसे पहले मैं आपको आपकी नई स्प्लेंडर आईस्पार्ट 110 के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगी। थैंक यू। वेलकम टू द हीरो फैमिली सर। थैंक यू वेरी मच। सर क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? जी जी बिल्कुल। राइट सर, सर क्या आप अपनी बाइक की परफॉर्मेंस से खुश हैं? हाँ हाँ बहुत खुश हूँ। ओके सर, आपका बाइक का परचेज एक्सपीरियंस कैसा रहा? परचेज एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। ओके सर, क्या आपको हमारे वर्कशॉप की लोकेशन और सर्विस शेड्यूल के बारे में पूरी जानकारी दी गई थी? हाँ हाँ सब कुछ बहुत क्लियर बता दिया था। ओके सर, आप अपने अनुभव को रेट करना चाहेंगे ऑन स्केल ऑफ 1 to 5, जहाँ 1 न्यूनतम है और 5 बेहतरीन है? 5, बिल्कुल 5 देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए। अगर आपको या आपके किसी भी जानने वाले को कभी 2-व्हीलर खरीदना हो तो हैप्पी हीरो से कांटेक्ट करें। जी बिल्कुल रेफर करूंगा। विश यू अ वेरी हैप्पी राइडिंग सर। थैंक यू। तो दोस्तों ये था हीरो का सेल्स प्रोसेस ऑपडॉक। आपने देखा कैसे हैप्पी हीरो के पूरे स्टाफ ने कस्टमर के बाइंग एक्सपीरियंस को यादगार बनाया। कस्टमर खुश होके अपनी नई बाइक ले गए, पर ये कहानी का दी एंड नहीं है। दोस्तों यहाँ से होती है एक नए रिश्ते की शुरुआत। आपको इंश्योर करना है कि ये कस्टमर आप ही की वर्कशॉप में सर्विस के लिए आए और उनका अच्छा एक्सपीरियंस बरकरार रहे, ताकि आपको मिले रेफरल और रिपीट सेल्स। हीरो डीलरशिप में हीरो वही है जो कस्टमर को देता है एक डिलाइटफुल बाइंग एक्सपीरियंस। हैप्पी हीरो डीलरशिप का हर एक स्टाफ सही मायने में एक हीरो है। क्या आप में भी है एक हीरो?